हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि CBSE ने जो है वो सिलेबस में जो है वो चेंजेस किए थे, और उसी की वजह से जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है। तो जो फाइनल एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए CBSE ने अपनी वेबसाइट पे जो है वो सैम्पल पेपर्स हर सब्जेक्ट के जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। और आज जो है वो हम इस वीडियो में CBSE के जो साइंस का जो सैम्पल पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि ये जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा और 3 घंटे जो है वो आपको दिए जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए। और इंटरनल चॉइस भी जो है वो दे रखी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, मतलब इसी तरह के पैटर्न में जो है वो आपको फाइनल पेपर आएगा। और CBSE ने जो है वो इसकी मार्किंग स्कीम भी जो है वो अपलोड कर दी है। तो आप मार्किंग स्कीम के जरिए देख सकते हैं कि कैसे जो है वो आपको किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मींस आपका जो आंसर है वो कैसा होना चाहिए जिसके बेसिस पे जो है वो आपको मार्क्स मिल सकें। तो आप इस वीडियो में जो है वो देख सकते हैं। और अगर किसी ने जो है वो CBSE की वेबसाइट को विज़िट नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सैम्पल पेपर का जो है वो लिंक दे रखा है, आप उस वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और मार्किंग स्कीम की भी PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.